स्टेमन के बारे में स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो दो पार्ट होते हैं स्टेमन के। एक फिलामेंट होता है जो कि लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाक, स्टाक मतलब एक डंडी जिससे एंथर जुड़ा होता है टॉप पे, और प्रोक्सिमल एंड ओ फिलामेंट, जो पास वाला एंड होता है फिलामेंट का वो थैलेमस से अटैच हो सकता है। थैलेमस क्या है? बेसल पार्ट होता है जो फ्लावर का, जहाँ से जो सारे वर्ल है वो अराइज हो रहे होते हैं, या फिर पेटल से भी, फ्लावर के जो पेटल होती है उसके साथ भी ये अटैच हुआ मिल सकता है। जो फिलामेंट है, फिलामेंट के अटैचमेंट अलग अलग जगह पे हो सकती है। तो एंथर क्या है? एंथर टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। टर्मिनली का मतलब जो टर्मिनल पोजिशन पे पाया जाए फिलामेंट के, तो बाइलोब्ड मतलब दो लोब होते हैं इसके अंदर। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका। तो जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर होता है उसके अंदर दो लोब होते हैं, दो लोब मतलब दो चैम्बर होते हैं, और प्रत्येक लोब में दो थीका, उसके भी आगे दो छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जिसकी वजह से उसको डाइथिकस एंथर बोलते हैं। ओपन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग थीका। थीका के बिल्कुल बीचों बीच एक जो डिप्रेशन सा देखने को मिलता है, एक जो स्ट्रक्चर पार्टिकुलर एक लाइन देखने को मिलती है लेंथ वाइज, जो कि थीका को सेपरेट कर देती है, जैसे हम आगे स्लाइड में पिक में देखेंगे ये बात। बायलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। बायलोब्ड का मतलब दो लोब बिल्कुल सेपरेट सेपरेट दिख जाते हैं, डिस्टिंक्ट दिख जाते हैं जब हम एंथर का डाइसेक्शन करते हैं, एंथर को जो 90 डिग्री का जो एंगल है उसमें काट के देखते हैं। एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर टू इन ईच लोब। जैसे हमने ऊपर थीका देखा था, थीका एक लोब में दो थीका थे और दो लोब में चार थीका हो गए, तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं जो चारों थीका है उनके पास एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? ये आगे जाके डेवलप होके पोलन सैक्स बनाती हैं, पोलन की थैलियां बनाती हैं, मतलब जिसमें पोलन ग्रेन है वो डेवलप होते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन। जो ये पोलन सैक है ये भी लेंथ वाइज एलोंगेट होते हैं, मतलब इनकी लेंथ बढ़ती रहती है और एंथर की पूरी लेंथ में फैल जाते हैं, और किसके साथ पैक हो जाते हैं? पोलन ग्रेन इनके अंदर बनते हैं, तो पोलन ग्रेन से भर जाते हैं। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग फ्लावर में जो स्टेमन का नंबर है और जो उनकी लेंथ है वो अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हम डायग्राम से समझेंगे, जैसे एंथर को जब हम ट्रांसवर्सली कट करके देखते हैं तो चार सर्कुलर लाइन देखने को मिलती है। ये चार सर्कुलर लाइन क्या है? चारों माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, या फिर पोलन सैक बोल सकते हैं। जबकि एक एंथर को बाहर से देखें तो वो फिलामेंट उसके नीचे मिलता है और एंथर बायलोब्ड स्ट्रक्चर ऊपर मिलती है। और यहाँ पे भी ये सेम डायग्राम है एनसीआरसी से ले रखे, जिसके अंदर जो एंथर में जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो जो ये वाल है, जो ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स मतलब ये जो निशान बने हुए हैं डिप्रेशन से बने हुए हैं, तो वो वहां से ब्रेस्ट होती है, और जिसकी वजह से जो पोलन सैक है उससे पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, तो ये लाइन ऑफ डाइसेंस भी बोलते हैं। डाइसेंस का मतलब ब्रस्टिंग। और जो यहाँ से हम देख सकते हैं पोलन कैसे सेड होते हैं, मतलब बाहर भी करते हैं पोलन ग्रेन, किससे? एंथर से, जब ये मैच्योर हो जाते हैं पोलन।